देश में ठंड का कहर लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में शीत लहर और घना कोहरा एक बार फिर से देखने को मिला है, जिस कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई। बता दें कि घने कोहरे के कारण आज फिर दिल्ली में कई ट्रेनें देरी से चली, वहीं परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हो, यूपी हो या पंजाब सहित कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण हर दिन आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। अरे इसका टाइम था 8 बजे छोड़ को 50 मिनट पे, ठीक है, ये छोड़ा है 5:30 पे दिल्ली में। बहुत हम लोग को लेट हो गया है और हम लोग को छोड़ता टाइम पे जो हम लोग दूसरे गाड़ी पकड़ कर आगे चले जाते हैं। बहुत लेट हो गया है। हाँ आराम आराम से, बहुत स्लो चलता है, जंगल में गाड़ी रोक देता है, जाम होना तक गाड़ी रोक देता है, बहुत स्लो चलता है गाड़ी। मौसी जी को लेना आया था, मैं तो यहाँ आ गया था, मैं बहुत पहले ही 9 घंटे तक खड़ा है यहीं ठंड में, ऐसे ही कापन लग रहा। आसम तो आ रही थी मौसी, इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा बताओ। अब परेशान तो हो ही रहे हम, आप खुद बताओ। ये बात तो उनको भी सोचनी चाहिए ये बात। 9 घंटे पूरे 9 घंटे लेट हो गई, अभी भी नहीं आई ट्रेन हमारी तो। बता दें कि देश भर में ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हर दिन ठंड के बढ़ते कहर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या यूपी, हर जगह ठंड के कहर के कारण ठंड के कहर से लोग परेशान हैं। बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियों को हर दिन बढ़ा दिया है। ठंड ने इतना रुद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस ठंड से आम जनजीवन जो है जो प्रभावित हुआ था, उसे राहत मिल पाएगी या नहीं। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में भी घना कोहरा देखने को मिला है। आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से है और तीसरी तस्वीर पंजाब से है। घने कोहरे के कारण वाहनों की जो गति है वो धीमी हो गई है, लोगों का जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। तो बता दें कि ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड ने रुद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। हर जगह ठंड का बढ़ता प्रकोप दिख रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। कई फ्लाइटें जो है वो देरी से चल रही हैं, तो कई ट्रेनें जो फ्लाइटें हैं वो देरी से उड़ान भर रही है और जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं वो आग लगाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जो यात्री ट्रेनों में सफर कर रहे हैं या जिनका जरूरी है बाहर निकलना,
उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग ने भी जानकारी दी थी कि एक दो दिन के अंदर बारिश हो सकती है, जिसके बाद अब ठंड फिर बढ़ती नजर आ रही है। इस बढ़ती ठंड के कारण जो लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं उन्हें काफी परेशानियां आती हैं। तो इस खबर पे हमारे कुछ संवाददाता है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि हर जगह पे ठंड के क्या क्या हालात हैं, ठंड के कारण क्या क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे चार संवाददाता जुड़ चुके हैं। पहले तो आप चारों का स्वागत है। अमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त दिल्ली में ठंड के क्या हालात हैं, ठंड के कारण लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अमन। देखिए बिल्कुल, राजधानी के अंदर अगर बात करें जी तो आज है वो कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि कल भी कोहरा था लेकिन आज भी सुबह विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर ही है। गाड़ी जो है अपनी हेडलाइटों पर ही गाड़ी जो है चल रही है अपनी रोशनी पर ही। तो लगातार जो सड़क के ऊपर है उससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। जो स्कूल का जो समय होता है सुबह का उसमें बहुत दिक्कतें हुई, बच्चों को जाने के लिए जो गाड़ियां जाती है बसें और वैन चलती है उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो कहीं ना कहीं ठंड से जो है अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। और मौसम में बाकी जो जानकारी थी कि आज हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई अनुमान है नहीं कि बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक अनुमान जारी किया है कि हो सकती है आज और कल दो दिन हल्की बारिश। अगर बारिश होती है तो ठंड और बढ़ेगी और ठंड अगर बढ़ती है तो और दो दिन तक लोगों को राहत मिलने की कहीं उम्मीद नहीं है। लेकिन कोहरे से भी दो ही बार पड़ रही है, कोहरा जो है वो आज काफी ज्यादा है। कल भी धूप नहीं खिली थी दिल्ली के अंदर और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज भी धूप जो है दिल्ली में नहीं निकलेगी। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी कि कल भी जो ट्रेनें थी वो कोहरे के कारण लेट हो गई थी, कि आज भी वहां पर यही हालात हैं? बिल्कुल, जो ट्रेन जो राजधानी आने वाली थी जो लेकिन कोहरे की वजह से वो कहीं ना कहीं डिले चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। जो स्टेशनों पर जो यात्री रुके हुए हैं, जो ट्रेनों में बैठकर आ रहे हैं, उनको भी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। क्योंकि जो जब विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो ट्रेनों की जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं ट्रेन रुक भी जाती है, तो जिससे कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ती ही है। हालांकि फ्लाइटें भी इस कारण जो है सही फ्लाइट भी जो है वो डिले हुई है, तो यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जी अमन, इस वक्त प्रशासन के द्वारा क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है तो ऐसे में जो यात्री होते हैं वो अपने परिवार के साथ सफर करते हैं, तो प्रशासन द्वारा उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए सर्दी का मौसम है, कोहरे का मौसम है और लगातार जिस तरीके से ये कोहरा जो है करीब जनवरी जो है वो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है। हालांकि जो स्टेशनों पर बात करें तो स्टेशनों पर जो यात्रियों को रुकने की जो व्यवस्था है वो जैसे पहले थी ऐसी ऐसी में उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया यात्रियों के लिए। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यात्री जहां तहां जो है रुक के और अपनी ट्रेन का जो इंतजार कर रहे हैं। जी, तो इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से राजकुमार भी हमारे साथ हैं। तो राजकुमार, इस वक्त अमेठी में ठंड के क्या हालात हैं? क्या वहां भी कोहरे के कारण लोगों का जो जीवन है प्रभावित हो रहा है? से जो है कहीं ना कहीं से लोगों को मिली है। कल दिन भर धूप थी, हालांकि सुबह शाम की ठंडक है और जो सुबह शाम की ठंडक है वो काफी ठंडक है। एक तरह से इसे शीत तरह की चलती है, ठंडी हवाएं चलती है, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप उत्सव रहता है। लेकिन हालांकि दिन में जो है धूप की वजह से ठंड का प्रकोप कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। इससे जो रोजमर्रा के आवश्यक तरह से जो बाजार में निकलने वाले लोग हैं वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि जो है दिन में जो है हालांकि धूप है और धूप के कारण जो है मौसम में बहुत ज्यादा जो है जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिस कारण जो है ठंड का प्रकोप दिन में नहीं है, हालांकि सुबह और शाम की अभी अमेठी में ठंडक है। जी राजकुमार, जैसे कि ठंड जो ज्यादा अपना जो रूप दिखाती है, प्रकोप दिखाती है, वो सुबह के समय ज्यादा दिखाती है, ऐसे में एग्जाम भी शुरू होने जा रहे हैं, बच्चों के फाइनल एग्जाम है, तो उनके जीवन पर कितना असर, मतलब उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ सकता है?
जी आपको बता दें कि जैसा कि हाईस्कूल और इंटर के जो बोर्ड एग्जाम के पहले जो उनकी प्रैक्टिकल की तैयारी है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के एग्जाम हो रहे हैं, इसको लेकर जो है बच्चों का सुबह निकलना कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे रहता है। कहले की सुबह जो है वो निकलते हैं और इसमें जो है ठंडक बहुत ज्यादा रहती है, ज्यादातर बच्चे साइकिल से या वाहन से आते हैं, तो ऐसे उनको कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। और चूंकि एग्जाम है तो एग्जाम को भी डिले नहीं किया सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ ही माह बाद जो है कहीं ना कहीं लोकसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी और उसके पहले जो है ये जो है प्रैक्टिकल की तैयारी, तो इससे इसे भी किया जा सकता है। और बच्चों को तो थोड़ा बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन एग्जाम भी जरूरी है। जी जी, तो इसी बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त चंडीगढ़ में ठंड के क्या हालात हैं। चंडीगढ़ साहब, अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल विभाग की तरफ से जो है साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया था कि 31 तारीख के बाद जो है बारिश जो है लगातार खासकर पंजाब क्षेत्र में जो है होने की संभावना है। तो वहीं अगर बात की जाए जिस तरह 31 जनवरी 2024 की सुबह जब जैसी होती है तो लोगों को जो है बारिश का जो है स्वागत करना पड़ा, क्योंकि पिछले लंबे अगर 3 से 4 दिन की बात की जाए तो लोगों को जो है सूर्य देवता जो थे लगातार जो थे दर्शन दे रहे थे, मगर जब सुबह आज 31 तारीख की जिस तरह ही सुबह हुई तो बारिश जो है लोगों को देखने को मिल रही है। और वहीं जिन बच्चों ने स्कूल जाना है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों ने जो है अपने काम पे जाना है, रोजमर्रा के काम पे जाना है, उनको बिल्कुल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो खासकर नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में अक्सर देखने को मिलता है कि दो पहिया वाहन से ही ज्यादातर जो है जो नौकरी पेशा लोग हैं वो जाते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो है सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात में भी जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। और आने वाले 2 दिन जो है मौसम विभाग ने बताया है कि इस तरह से ही बारिश पंजाब में खासकर जो है देखने को मिली। जी जी अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर्दी में ज्यादातर बीमारियां भी बढ़ जाती है, ऐसे में अस्पतालों की स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी में अक्सर जो है जुकाम, सिर दर्द और ठंड लगने की जो समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो जो जितने भी चंडीगढ़ के आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, मगर वहीं मरीजों के आंकड़े भी जो है चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने या चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं चाहे क्लिनिक है, आंकड़े दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ते दिख रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें पंजाब में तो पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बहुत है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक में भी जो है लोग जो है अपना चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ठंड से तो बिल्कुल लोगों को जो है जुकाम और बुखार और जो ठंड लगने की जो समस्या है वो तो हालांकि हो रही है, मगर जिस तरह से बारिश का अगर 2 दिन से मौसम विभाग ने बोला कि आने वाले 2 दिन बारिश होगी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो है बीमारियों से कहीं ना कहीं लोगों को निजात जो है मिल सकती है। जी जी अमित, जैसे कि ठंड तो बढ़ी गई है, ऐसे में आवाजाही जो है वो काफी प्रभावित हुई है, ट्रेनें काफी लेट हो रही हैं, तो इस बीच चंडीगढ़ में भी क्या ये हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, ये तो देश भर में ही हालात इस तरह से ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से जो भी ट्रेनें हैं चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं चाहे एक से स्टेट से दूसरे स्टेट जाती हैं, तो बिल्कुल क्योंकि कोहरे की वजह से उनको इन चीजों का परेशानी सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल कह सकते हैं साफ तौर पे जो ट्रेनें हैं ट्रेनों को तो जो है अपने निर्धारित समय से लेट ही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो इसी खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी झांसी से धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र से भी जान लेते हैं कि धर्मेंद्र, झांसी में इस वक्त ठंड के क्या हालात हैं, क्या वहां पर भी आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है ठंड के कारण? जी जी, मैं अगर बात करूं मैं झांसी जिले की, तो झांसी जिले में जिस तरह का देखा जा रहा है कि सर्दी के मौसम को लेकर के सुबह से कितना कोहरा लगा हुआ बना हुआ है, लोगों का निकलना वैसे भी मुश्किल रहता है, लेकिन जिस तरह से बादल बने हुए हैं यहाँ पर जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बादलों की वजह से कल देखा गया है कि झांसी जिले की तहसील है यहाँ पर मौत, जहाँ थोड़ी थोड़ी एक बूंदाबांदी हुई है, तो इस बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं किसानों की बेचैनियां बढ़ने लगी है। यहाँ पर जिस तरह देखा जा रहा है कि किसानों के चेहरों पर कुछ थोड़ी बहुत खुशी देखने को मिल रही है फसल को लेकर के, वो अगर इस तरह की बादल के होने की वजह से अगर बारिश हो जाती है यहाँ पर तो किसानों की बेचैनियां काफी बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो किसानों की फसलें पूरी बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अभी किसानों को थोड़ी बहुत सर्दी से जिस तरह की सर्दी पड़ रही है इससे तो राहत बनी हुई है, दिन में जो धूप निकलती है धूप से लोगों का अभी को बिल्कुल हाल बिल्कुल सही है, लेकिन सुबह से जिस तरह से हालात यहाँ के बने हुए हैं सुबह से कोहरा हो जाता है,
बादल भी रहते हैं यहाँ पर, तो लोगों का जिस तरह से पता जा रहा है कि अपने काम करना है, यातायात अपनी बराबर से चल रहे हैं, यहाँ पर तो निकल भी रहे हैं, लेकिन किसानों की बेचैनियाँ बराबर यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। जी 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 धर्मेंद्र, आपसे ये जान लेती हूँ कि ज्यादातर जो लोग रेलवे स्टेशन पे सो रहे होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होता, तो उनके लिए क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं? जी, मैं अगर बात करूँ झांसी जिले की, जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन ने पहले से ही जिस तरह चल रही थी, इसी को लेकर पहले से ही प्रशासन ने यहाँ पर अलाव लगाए हुए थे स्टेशनों पर, और लोगों को कंबल भी दिए गए हैं, जो यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए थे, इन यात्री प्रतीक्षालयों में जो कंबल प्रशासन की तरफ से रखे गए हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं कि अगर यात्री अगर कहीं सर्दी से अगर दिक्कत आती है या कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उनको कंबलों के द्वारा बचाव किया जाए, अलाव लगाए जाए, और प्रशासन की जो देखरेख में जो सर्दी से जो पूरी तरीके से बचाव है, उनके लिए भी पूरे बचाव किए जा रहे हैं। जी जी जी, मैं दिल्ली से हमारे साथ जो अमन जुड़े हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि अमन, फिलहाल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन, फिलहाल दिल्ली में इस वक्त कोहरे के हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या वहां बारिश की संभावना है? वहां पर बारिश हो रही है या आने वाले समय में हो सकती है? जी, यहाँ पे बूंदाबांदी नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी जरूर है कि आज और कल जो है यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। तो कोहरे जो आज दिल्ली के अंदर आज सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से जो सड़कों पर है वो एक तरीके से आप समझ लिए अंधेरा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो रोशनी है वो गाड़ियों की अपनी रोशनी से ही गाड़ियां चल रही हैं, तो यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि मौसम विभाग ने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो करीब जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 20 जा सकता है, लेकिन शीतलहर तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ अगर बारिश होती है तो उसके साथ जरूर तेज हवाएं चलेंगी, ये भी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। तो अगर इसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर है आने वाले 2 से 3 दिन और ठंड जो है दिल्ली में बढ़ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि दिल्ली में हो या यूपी या पंजाब या चंडीगढ़, हर जगह ठंड ने अपना प्रकोप जो है वो दिखा रखा है, लोगों का जो जीवन है वो काफी परेशानियों से गुजर रहा है।